स्वागत है आपका हमारे चैनल 7 मिनट रेसिपी पे। आज हम बनाने जा रहे हैं लच्छा पराठा। देखिए हमारे लच्छा पराठे में कितने लेयर्स आए हैं, आप भी अपने घर में बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। चलिए तो लच्छा पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। लच्छा पराठा बनाने के लिए हमें सबसे पहले आटा गूंदना है। 1 कप मैदा लेंगे, इसमें 2 छोटा चम्मच चीनी डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक, दो छोटा चम्मच रिफाइंड ऑयल। अब इसे अच्छे से मिला लें। आप चाहे तो चीनी डाल भी सकते हैं या नहीं डालें, चीनी से टेस्ट अच्छा आता है इसलिए चीनी का यूज करें। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे गूंथते रहें। इसे न ज़्यादा सॉफ्ट गूने न ज़्यादा हार्ड गूने, इसे नॉर्मल रोटी के आटे की तरह गूंथे। अगर आप सॉफ्ट गूंथते हैं तो आपके लेयर्स खुलकर नहीं आएगा, अगर आप टाइट गूंथते हैं तो आपका पराठा टाइट हो जाएगा। अब मेरा आटा गूंदा गया, इसमें थोड़ा सा तेल लगाकर 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दें। अब मेरा 15 मिनट हो चुका है, अब हम आटे को निकाल लेंगे, इसके 2 पेड़े बना लेंगे। इसे अच्छे से गोल कर लें। यहाँ पे हम 2 टाइप्स का लच्छा पराठा बनाएंगे, दोनों अलग अलग डिजाइन का। एक पेड़ा ले, उस पर थोड़ा सा सूखा मैदा डालें, उसे रोटी की तरह बेल लें। इसे ज़्यादा पतला ना बेले, इसे रोटी की तरह बेले। अब हम इसमें तेल डालेंगे, इसे अच्छे से मिला लें चारों तरफ। अब इस पर सूखा मैदा डालेंगे। अब एक चाकू ले, चाकू से जैसा डिज़ाइन हम काट रहे हैं वैसा आप भी काट लें। इसे लंबा लंबा इसी डिज़ाइन से कट कर लें। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें। अब हमारा पूरा कट गया, आप इसे आराम आराम से लपेट लें। अब इसके ऊपर थोड़ा तेल डालें, इसे थोड़ा लमराएं। अब इसे इस तरह हाथों के सहायता से मोड़ लें। अब मेरा पराठा का पेड़ा तैयार हो चुका है, अब हम दूसरा डिजाइन बनाएंगे। इसे भी रोटी की तरह बेल लें, उसमें थोड़ा सा तेल डालें, इसे अच्छे से मिला लें, इसके ऊपर थोड़ा सूखा मैदा डालें। इसे इस तरह से मोड़ना है ऊपर नीचे करके। इसी तरह मोड़े जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। अब इसे हल्का लमरा कर हाथों से पेड़ा बना ले ऐसे गोल करके। देखिए मेरा दूसरा डिजाइन का पेड़ा तैयार हो गया है। दोनों पेड़ा तैयार है, अब इसे बेलेंगे। अब इसे हाथों की सहायता से लमराएं, बेलन से हल्के हल्के बेलें। आप चाहे तो हाथों से लमरा कर भी बेल सकते हैं। अगर आप बेलन से बेल रहे हैं तो हल्के हल्के बेलें। अब हमारा पराठा बेला गया है,
अब हम इसे उठा लेंगे। अब हम दूसरा पराठा बेलेंगे। अब हम एक तवा लेंगे, उसे मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। अब इसमें हम पराठा डालेंगे। अब हम इसे पलट लेंगे, इसे दोनों साइड से सेकेंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। अब इसे पलट कर इधर भी हम तेल डाल देंगे। इसे मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे सेकते रहें। हाई फ्लेम पे सेकने से अंदर सही से पके या नहीं, अंदर कच्चा रह जाएगा, इसलिए इसे मीडियम फ्लेम पे ही आराम आराम से सेकें। देखिए मेरा पराठा अच्छे से सेक गया, अब इसे हम निकाल लेंगे। अब हम दूसरा पराठा सेकेंगे, इसे भी सेम उसी तरह सेक लें। देखिए हमारा दोनों पराठा बहुत ही अच्छा बना है, इसमें बहुत सारे लेयर्स आ गए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें।